सात साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बनना इजी नहीं था मेरे लिए। तो सर ये है हमारा न्यूज रूम। प्रीमियर प्रो के एडिटिंग चल रही है ऑन द फ्लाई। हम लोग इस काम में महीने लगाते, ये मतलब ऑन द फ्लाई करते, मतलब यही एक्चुअल आपके हीरो है। गहमा गहमी तब होती है जब एक्टर गड़बड़ करने लगते हैं। कोशिश करता हूँ कि मतलब वो अपना काम ठीक से करे, और ना करे तो फिर उनसे करवाता रहूंगा जब तक वो ठीक से ना करे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वेब सीरीज कूक की टीम आ पहुंची है एबीपी के ऑफिस और आज हम उनके साथ करने वाले हैं न्यूज रूम टूर। हरमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हंसल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, करिश्मा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडी है न्यूज रूम टूर के लिए? टोटली, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब एक न्यूज रूम के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं, सबसे पहला ख्याल आप लोगों के मन में क्या क्या आता है एक न्यूज रूम को लेकर? आई थिंक स्कूप सबसे 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 या मतलब टेंशन होता है बहुत ज्यादा, स्कूप निकालना होता है, कंटेंट चाहिए, इट्स ऑल अबाउट दैट। सर बस खबर, ब्रेकिंग, सनसनी केस, सनसनी केस। सर मैडनेस, क्योस, क्रेजीनेस, बट अ मेथड इन, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसा कि देख सकते हैं एबीपी नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारा खूबसूरत सा रिसेप्शन है, यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनके एंट्रीज होते हैं। ये हमारा स्टूडियो है एबीपी गंगा का, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की न्यूज़ स्पेशली वो कवर होते हैं। अभी आप देख सकते हैं दो खूबसूरत एंकर वहाँ पे बैठी हुई है, तो थोड़ी देर में बुलेटिन ऑन एयर हो जाएगा, तो यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और फिर शुरू हो जाएगा आज के बुलेटिन में क्या है। खूबसूरत तस्वीर भी है, क्या सर जोर से बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? वो खूबसूरती की बात, खूबसूरती की बात कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ये बुधराज कोई फॉलो करता है कि? यस यस यस, जब मैं सबसे पहले ऑफिस में एंट्री की थी, या पताका, पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, क्षत्रिय मुख, मुष्टि, अराल, शुभ, शिखर, शिखर, ये चलिए सर अंदर चलते हैं। ओनली रिमेंबर वन, तो यहां से थोड़ी हीट आपको फील होनी शुरू होगी। अच्छा थोड़ी सी हीट आपको यहाँ से फील होनी शुरू होगी। ओके, तो अभी मॉर्निंग टाइम है, आपको बता दें कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी कोई भी न्यूज ब्रेक हो जाएगी, जैसा कि आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इन वेब सीरीज यू आर अ क्राइम जर्नलिस्ट, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, नींदें हराम हो चुकी होंगी टोटली। नहीं बस हम लोग मतलब हमारी वेब सीरीज के जरिए इनका काम अप्रिशिएट करते हैं कि दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं कि लोगों तक न्यूज पहुंचे, लोगों तक खबर पहुंचे, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग पब्लिक सर्विस, इसको हम रिकग्नाइज नहीं करते। हम सुर्खियों में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि इन सुर्खियों के पीछे इंसान है जो अपनी रातों को ज़ाया करते हैं हम तक खबर पहुंचाने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, कुडोस टू ऑल ऑफ अस। अभी सारे लगे हुए हैं अपने काम में। सर ये हमारा छोटा सा, चार ऐसे कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे व्यू रूम करने के, कि आवाज बाहर ना जाए और आसानी से व्यू हो सके। एक सॉफ्टवेयर है माइक के अंदर, तो इट्स प्रीटी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट यार, छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। यू वांट टू ट्राई? ओके कम इनसाइड, गो किड गो। व्हाट डू आई से? यहाँ से ये माइक पकड़ लीजिए, कुछ भी अगर आपको कहना है। सात साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बनना इजी नहीं था मेरे लिए। वाओ, but it's like a complete soundproof. Yes, yes, yes. So ये भी स्टूडियो है हमारा एक, यहाँ पे भी शूट्स होते रहते हैं, जितने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं, जनरल यूज के होते हैं। और यहाँ से मैं आपको ले जा रही हूँ न्यूज रूम की तरफ। सो ऐसे आप पिक्चर देख सकते हैं, दीज आर दी कंटेंट्स, और जो हाँ बातों चुभेगी ही, माहौल क्या है द रिपोर्टर, और 11 बजे जो हमारा शो आता है क्राइम को लेकर, सनसनी, सन्नाटे को चीरती हुई श्रीवर्धन को हमने एक्चुअली इस शो में कास्ट करने की कोशिश की थी। अच्छा। वो मतलब लोग जानते नहीं है कि श्रीवर्धन बहुत अच्छे ट्रेन्ड एक्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। यस, हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर है, एंड जो कश्यप वाज गोइंग टू बी प्लेड बाय हिम, लेकिन वो सनसनी करते हुए इतने बिजी रहते, इतने मशरूफ रहते हैं
कि हमारे लिए उनके पास डेट्स नहीं थी। करिश्मा मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी एंटरटेनमेंट की वॉइस अलग होती है, जनरल बीट की अलग होती है, क्राइम में हमें कहते हैं कि आवाज थोड़ी भारी चाहिए, जैसे सनसनी सर कहते हैं सन्नाटे कुछ नहीं, तो आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी? मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा नॉर्मल था, मतलब ऐसे सन्नाटे को चिरती हुई टाइप डायलॉग्स नहीं था मेरे, सो इट वॉज वेरी नॉर्मल। मैं फील्ड में ज्यादा रहती थी एंड अब मेरी जो असिस्टेंट है उनको ज्यादा देती रहती थी कि ये बायलाइंस लिख, वैसे लिख, ऐसे लिख एंड ऑल दैट, और मैं ज्यादा करके मैं फील्ड पे ज्यादा रहती थी। तो सर ये है हमारा न्यूज रूम, हरमन सर कैसा लग रहा है पहला रिएक्शन? देखो एक्चुअली मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं, इट आप लोग अपने आप को अपडेट रखते हो न्यूज से क्या चल रहा है? आगे आ जाते हैं तो इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ 16-17 साल से एक्सपीरियंस्ड क्राइम जर्नलिस्ट एबीपी के मौजूद है मनोज सर, आ जाइए। हेलो, कैसे आप? हेलो। तो जितनी भी बड़ी खबरें जो होती हैं वो ये देखते हैं, कवर करते हैं। इन्होंने अतीक अहमद, आपने वो केस सुना ही होगा, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो केसेस हैं एंटरटेनमेंट जगत से भी लेके उन्होंने हैंडल किया, कवर किया है, तो ये अच्छे से आपको बता सकते हैं कि न्यूज़ में। सर इनका पहला सवाल यही है, न्यूज़ कैसे ब्रेक होती है? न्यूज़ जो ब्रेक होती है आपके सोर्स के थ्रू होती है, और कभी भी कोई आपका सोर्स फोन करता है तो सबसे पहला फोन, वहाँ असाइनमेंट पर एक हॉटलाइन है, मैं वहाँ फोन करता हूँ कि ये खबर है, सबसे पहले फोन करके बताता हूँ, उसके बाद टाइप करके वो ग्रुप में डाली जाती है, फिर वहाँ से एक्शन शुरू होता है और सीधा वो वहाँ पैनल प्रोड्यूसर जो है वो जो एंकर स्टूडियो में उनको बताते हैं और मुझे बोलते हैं लाइव पर आने के लिए। तो एंकर वहाँ से जो है खबर को सीधा ब्रेक करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। तो हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई खबर असाइनमेंट के पास आती है, वो फिर हमको चेक करने के लिए भेजते हैं, उसको फिर हम चेक करते हैं, फिर उस खबर को हम अपने तरीके से ब्रेक करते हैं। इस तरीके से हम खबरें ब्रेक करते हैं। टोटल प्रोसेस कितने मिनट्स का होता है? ये बहुत सेकंड्स का होता है, इसमें मिनट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिनट्स होंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे, और इस इंडस्ट्री में लेट हुए तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्राइम रिपोर्टिंग करते हो आप, तो मुझे ये बताइए इस काम में खतरा है? सर है, खतरा है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और आपने ये जो जिस केस पर आधारित है स्कूप हमारा, जी जी जी, जितना हो रहा जी, उस केस को आपने कवर किया था या उसके बारे में पढ़ा था? नहीं सर, मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मुंबई का केस था, मैं दिल्ली देखता हूँ, NCR देखता हूँ, बट मैं क्योंकि क्राइम जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने पढ़ा पूरा था वो। और अब मैं चलिए आपको स्टूडियो की तरफ भी लेके चलती हूँ, ये जो हमारा मेन स्टूडियो है, अभी रुमाना मैम फिलहाल उनका बुलेटिन चल रहा है। अच्छा सर, ये भी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप टीवी में न्यूज चलाते हैं, न्यूज को कवर करना तो इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट है उसका प्री प्रोडक्शन, एडिटिंग, ग्राफिक्स, यू नो कलरिंग, आप एक बार नजर भी डाल सकते हैं। सर सर को थोड़ा बताएंगे अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक बाइट पब्लिश कर रहा हूँ, ये बाबा का आया है, ये बिहार में है अभी, ये तो इनका बाइट अभी दे रहा हूँ, अभी अगला बुलेटिन में ये चलने वाला है। एडिट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग चल रही है ऑन द फ्लाई। हम लोग इस काम में महीने लगाते हैं, ये मतलब ऑन द फ्लाई करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल बात देता हूँ, मतलब यही एक्चुअल आपके हीरो है। यस 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 सर, यहाँ पे हमारे ऐसी तमाम हीरो है जिनकी वजह से एक न्यूज ब्रेक होती है और लोगों तक पहुँचती है। आगे चलते हैं सर, यहाँ पे करिश्मा मैम, हरमन सर इधर आइए, आपको एक बार ऑक्टोपस भी दिखा दूँ। हाय मैम, ऑक्टोपस एक बार इनको ऑक्टोपस दिखा दीजिए, जहाँ पे फीड जाती है, जिससे कमांड जाके न्यूज चैनल में चीजें जाती है। हाँ, ये पूरा ऑक्टोपस है और यहाँ पर फीड आती है, ये असाइनमेंट हमें फीड बढ़ाते रहते हैं यहाँ पर, ये असाइनमेंट की बात है ना, यहीं से हम अपडेट रहते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और खास ध्यान रखना पड़ता है। तो हुई है चूक पास्ट में? सर होती है, हर जगह ये होती प्रेशर, है, मात्राओं में दिक्कत हो गई, कोई पिक्चर गलत चले गई, इंसान है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जैसे इन्होंने गलत न्यूज़ दी थी आपको। यस, जो हम स्कूप में देखेंगे। ये सर मेन स्टूडियो है, फिलहाल पीछे जो वॉल लगी है एबीपी रिपोर्टर, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या जा रहा है। यहाँ पे सर हमारी बैठी है डिजिटल की टीम, जो मेनली देखती है, आपको पता है डिजिटल कितना पावरफुल हो चुका है। सर यहाँ पे डिजिटल की सारी टीम बैठी है, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो डिजिटल का जो फ्लो है वो इनके भाग में। हाउ यू फीलिंग? वेरी वेरी गुड यार, आई एम लविंग द होल फील ऑफ द होल ऑफिस, सो गुड, मतलब बहुत नॉलेज मिल रही है, बहुत ही सीखने को मिल रहा है कि ये माहौल होता है आप लोगों का।
सो नाइस, आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन आल्सो, रेड व्हाइट ग्रे व्हाइट ब्लैक. और ये मेन स्टूडियो है फिलहाल, वहां पे रुमाना मैम जो हमारी प्राइम टाइम एंकर है वो बुलेटिन पढ़ रही हैं लाइव. हां या इट्स लाइक आगे में टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो है आपका टेलीप्रॉम्प्टर. नीचे में एक स्क्रीन भी लगी हुई है कि उनको पता चलता रहे कि वो कैसी दिख रही है, क्या खबर जा रहा है. अच्छा. और वहाँ पे दो कैमरा पर्सन बैठे हुए हैं जो जितनी भी कमांड पीसीआर उन्हें देता है वहाँ मिलती है. एमसीआर पीसीआर से जो भी कमांड आती है उनके पास आती है, वो कन्वे करते हैं. और एक ईपी एंकर के कानों में भी लगा रहता है. तो अच्छा, जब यहाँ पे सर कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो माहौल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. आपके वहाँ पे किस तरह से गहमा गहमी हो जाती है जब शूट पर आप शूट कर रहे हैं, कोई क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमारा तो पहले से ही प्लान होता है ना सब कुछ, तो इट्स नॉट ब्रेकिंग न्यूज, इट्स ब्रेकिंग न्यूज इन द स्क्रिप्ट. ऑन सेट तो गहमा गहमी तब होती है जब एक्टर कॉमेंट आएगा, जब एक्टर गड़बड़ करने लगते हैं. सब बहुत नहीं, मैं डांटता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि मतलब वो अपना काम ठीक से करे, और ना करे तो फिर उनसे करवाता रहूँगा जब तक वो ठीक से ना करे. नहीं नहीं, मैं मतलब अच्छे एक्टर्स को कास्ट करता हूँ तो ये प्रॉब्लम कम आता है मुझे. अच्छा, 2 जून को आपकी वेब सीरीज आ रही है स्कूप, कितने एपिसोड होने वाले सर? 6 एपिसोड का है और 6 बहुत अच्छे रिच थोड़े से लंबे एपिसोड हैं, आपको मजा आएगा उनको देखने में. चलिए, विश यू ऑल लक आपकी अपकमिंग वेब सीरीज के लिए. विश यू ऑल लक. थैंक यू वर्षा. थैंक यू वेरी मच सर. आपकी गुड विशेस की वर्षा के लिए हम आभारी है. थैंक यू वर्षा. थैंक यू.